रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये वी ब्लैक गला नए तरीके से बताना बताऊंगी, बहुत आसान तरीका है। तो आइए चले वीडियो की तरफ। तो मैंने कटिंग कर ली है और अब गला तैयार करने के लिए मैंने पेपर पट्टी लेनी है। सबसे पहले हम पेपर पट्टी लेंगे, ये पेपर पट्टी ली है जो हमने इसके अंदर लगानी है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 15 इंच है। और इसी के हिसाब से मैंने ये कपड़ा लिया है। और ये आपको बता दूं कि ये अरेब कपड़ा है, ये वाला कपड़ा भी अरेब है और ये पेपर पट्टी भी अरेब है। और ये 0 पेपर पट्टी ली है ताकि ये इसकी अच्छी से सफाई आए। तो ये जो हम गले के अंदर लगाएंगे ये वो कपड़ा है। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर लेस भी लगानी है क्योंकि दामन पे भी मैंने ये लगाई है, तो ये मैं इसके गले पे के अंदर भी लिए। अब हमें ये हमने गला तैयार करना था, तो हमें ये ऑलरेडी गला उसी तरह का ये हमने तैयार किया हुआ है जिस तरह का हमें चाहिए। ये कटिंग करके हमने निकाल देना। अगर हम वैसे कटिंग करेंगे तो शायद ये जो पेपर पट्टी है उसके मुताबिक इसकी कटिंग ना हो, तो इसलिए मैं इसको ऐसे डबल करके रख लिया और पेपर पट्टी को ऐसे डबल करके निशान बना लिया। इस तरह निशान बनाने के बाद अब मैं इसको इस तरह खोल लूँगी क्योंकि इसका दरमियान और इसका एक जैसा है। अब मैंने इसके बाद ये वाली चीज़ है जो ये मैंने इसके मुताबिक जो जो गला बना हुआ है ये वाला, इसी को मैं ऐसे रख के इसके ऊपर निशान लगाती जाऊँगी। निशान लगाने के बाद ये मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये आपके सामने निशान लगाऊँगी कि पेपर पट्टी की कटिंग किस तरह की है, और ये आपके सामने मैं ये गले की भी कटिंग करूँगी। ये बैक साइड हम लैदा कर लेते हैं और ये देखें, ये हम ऐसे नीचे रखेंगे ताकि हमारा बिल्कुल ये पेपर पट्टी जो है परफेक्ट की कटिंग हो। गले की हम कटिंग करते वक्त इस तरह हम ऐसे रख लेंगे। अगर हम वैसे गला बनाते तो 3 इंच हमने रखना था, लेकिन हमें ये थोड़ा इसके अंदर की तरफ पट्टी करनी है, इसलिए हम 4 इंच या 3.5 इंच रखेंगे। तो इसका 3.5 इंच 4.25 इंच बनता है, तो हम इस तरह इतना ही रख लेंगे क्योंकि ये गला भी इतना है। तो इसकी ज़्यादा कटिंग करेंगे तो ये इसका निशान बन जाएगा। अब मैं इसको इसके मुताबिक ऐसे कटिंग कर लूँगी ताकि जो पेपर पट्टी है वो हमें परफेक्ट इधर से मिल जाए। ये पहले हम पैर पैर का कपड़ा रखते हुए ये हमने इसी को ऐसे रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने ये देखना है कि ये इसका इधर से कितना निशान है, तो हमें ये इधर तक ये चाहिए, तो इसलिए हम इधर तक ये पेपर पट्टी का कटाई कर लेंगे। और जबकि हमने इसके अंदर से जो ये वाला मेरून कपड़ा है ये निकाल देना है, हमें चाहिए तकरीबन ये 1/2 इंच है, तो अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो फिर 1 इंच ये हमें मिल जाएगा। लिहाजा हमने इसको ऐसे खोल के इसके अंदर से कटिंग करके हमने कपड़ा निकालेंगे, इसको ऐसे ही कटिंग करके इधर तक हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें इधर तक ये चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये 1/2 इंच कि हमने उसके अंदर से कटिंग करके कपड़ा निकालना है, तो 1/2 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाते जाएंगे। अब ये हमारा कटिंग का निशान है, तो कटिंग के निशान के बाद ये जो चीज़ है जो वायर हमें चाहिए ये वाली, हमें ये जो है ये पेपर पट्टी हमारी फालतू हो जाएगी और ये जो पेपर पट्टी है हमने निकाल लेनी है। ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है ये निकाल के हम पेपर पट्टी को ऐसे लैदा अपना गला तैयार कर लेंगे।
ये जो हमने कपड़ा तैयार करना है वो पेड़ पट्टी का और गले का, ये मैं कमीज के ऊपर लगाऊंगी, इस पर कोई मैं कपड़ा वगैरह लगाऊंगी, सीधा इस कमीज के ऊपर लगाऊंगी, इसके ऊपर उल्टी साइड पे मैं ऐसे ये लगाऊंगी। इसके बाद ये दोनों चीज़ें जो पट्टियाँ मैंने ली हैं ये पेपर पट्टी के साथ चिपकाऊंगी। तो पेपर पट्टी लगा ली है मैंने गले को भी, और मैंने इसको अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ लिया है, ये तैयार कर लिया है, ये देखिए, और इसको ऐसे डबल कर लिया इस तरह। अब हमने जो गले की इधर से गला ले लेना, जितना गला है आपको उतना गला लेके जो नीचे वाला हिस्सा है ऐसे आपने इस तरह ऐसे करके अपने सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि ये देखिए, ये आपने इस तरह ऐसे इसको नाप लिया, उसके बाद आपने इस पर निशान लगा लेना और ऐसे करके इधर अपने सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसको मैंने इस तरह खोल लेना है और इसको ऐसे ऐसे करके आपने इसको तैयार कर लेना है। इस तैयार करने के बाद ये रेब कपड़ा और रेब पेपर पट्टी इसलिए ली है ताकि हम इसको ऐसे रख के और इसके मुताबिक हम इसी के साथ इसको इधर तक मोड़ सकें ऐसे, इसी की मदद से मैं इसको इस तरह मोड़ूंगी। इस तरह आप इधर सिलाई लगा लें, लेकिन उससे सिलाई लगाने से पहले आपने ये वाली चीज़ है ये रख के इधर जिधर जिधर तक आपने सिलाई लगानी है उधर तक आपने मोड़ के इसको ऐसे लगा लेना है। पहले आप पहले इसके रख के देख लें और जिधर तक आपके किनारे तक सिलाई आती है आप ऐसे निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद आप इसको देखें कि ये किधर तक आ रहा है ऐसे, और इसके निशान के ऊपर ऊपर ये आप इसे सिलाई लगा लें। पहले मैं ये लगाऊंगी, उसके बाद ये देखिए, ये मैंने इसको फाइनल कर लिया है, बटन लगा लिए हैं, और बहुत आसान है बनाने में। अगर आप सादे सूट में तैयार करेंगे तो मेरा तो पहले ये वी बना हुआ था, इधर से फट्टी तैयार थी तो मैंने इसके अंदर ही ये बना लिया, तो अगर आपके पास सादा सूट है तो उसका भी बहुत अच्छा बन सकता है। ये बहुत आसान है बनाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।